छत्तीसगढ़ के निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में चिटफंड घोटालों में सबसे ज़्यादा लूट हुई है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो न्यूज़ लेकर आए हैं वो छत्तीसगढ़ के निवेशकों के लिए बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए निर्देश, राज्य भर में निवेशकों को पैसा लौटाने की वकायत तेज। चलिए दोस्तों, पूरी खबर क्या है ये हम आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ चिटफंड कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 154 मामलों में संपत्तियां बेचकर लौटाया जाएगा पैसा। पूरी खबर दोस्तों 23 नवंबर दैनिक भास्कर से आई है। दोस्तों बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है। रायपुर, लोगों के दुगनी रकम का लालच देकर ठगने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोगों को गुमराह कर उनसे पैसे लेने में 403 प्रकरण छत्तीसगढ़ के लगभग सभी ज़िलों में दर्ज हैं। शनिवार को इन सभी मामलों में कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए। मुख्यमंत्री बघेल, जी हाँ दोस्तों, भूपेंद्र बघेल ने 145 कंपनियों या उससे जुड़े लोगों के खिलाफ कुर्की यानी संपत्ति बेचकर या नीलाम करके पैसा लौटाने की कार्रवाई का निर्देश दिया है। एजेंटों के खिलाफ केस होंगे ख़त्म। या दोस्तों, यहाँ पर एजेंटों को राहत दे दी गई है। नंबर एक, सरकार ने दावा किया कि चिटफंड कंपनियों के मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ ही इन कंपनियों में धोखाधड़ी के शिकार लोगों की धनवापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक कंपनियों के एजेंटों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। ये बातें शनिवार की कैबिनेट बैठक में तय की गई। नंबर दो, जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में अक्टूबर 2019 तक लोगों को दुगना करने के अधिकांश ब्याज देने का लालच दिखाकर कई चिटफंड कंपनियों ने पैसे लिए। ज़्यादातर कंपनियां धोखेबाज ही निकली। प्रदेश के हज़ारों लोगों का पैसा इसमें डूबा। ऐसे मामलों में कंपनी के डायरेक्टर के विरुद्ध 379 पदाधिकारियों के विरुद्ध 148 प्रकरण शामिल हैं। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इष्ट न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ बेल आइकन